एक डेकेड और 22 फिल्मों के बाद MCU का इन्फिनिटी सागा फाइनली एवेंजर्स एंडगेम के साथ कंक्लूड हो गया। बट द पॉइंट इज, एंडगेम नाम होने से हमारे फेवरेट सुपर हीरोज के लिए दीवानगी थोड़ी ना एंड हो जाएगी। उल्टा हुआ ये कि एंडगेम देखने के बाद हम फैंस के दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं जिनका जवाब मूवी में नहीं दिया गया। एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि फैंस के इन सवालों में ही MCU का फ्यूचर छुपा हो। सो लेट मी टेल यू ऑल द क्वेश्चंस व्हिच विल रिमेन अनआंसर्ड इन एवेंजर्स एंडगेम। इफ यू डोंट वांट स्पॉइलर्स, प्लीज स्टॉप दिस वीडियो नाउ, क्योंकि आगे इस वीडियो में भर भर के स्पॉइलर्स हैं। सो द फर्स्ट बिग क्वेश्चन इज, क्या फ्यूचर में कोई आयरन मैन होगा या होगी, और अगर हाँ तो कौन होगा या होगी। वैसे MCU के सारे ही कैरेक्टर्स को लोगों से बहुत प्यार मिला है, लेकिन कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की पॉपुलैरिटी की टक्कर कोई नहीं ले सकता। एंडगेम में कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड फैल्कन को दे दी है और खुद रिटायरमेंट ले ली। सोचो कितना रिस्पॉन्सिबल बंदा है यार, अपनी रिप्लेसमेंट खुद ही देकर गया है। बट सैडली हमारे प्यारे दुलारे आयरन मैन को ये करने का मौका नहीं मिला। एंडगेम में वी ऑल्सो सॉ कि टोनी स्टार्क की बेटी मॉर्गन को पापा की तरह गैरेज में यानी कि टेक में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मॉर्गन अभी भी मुश्किल से 5 साल की है। अगर वो आयरन मैन को रिप्लेस करती भी है तो MCU की टाइमलाइन के हिसाब से उसे बहुत वक्त लगने वाला है। एंडगेम के क्लाइमैक्स में हमने पेपर पॉट्स को अपने खुद के सूट में देखा। मार्वल कॉमिक्स में पेपर की भी एक सुपर हीरो आइडेंटिटी थी विच वॉज नेम्ड रेस्क्यू, बट द वे पेपर्स फिल्मी वर्जन इज डिसइंटरेस्टेड इन द होल सुपर हीरो थिंग, इट सीम्स इम्पॉसिबल। प्लस हमारी लिटिल क्यूटी मॉर्गन के पास अब सिर्फ मम्मा पेपर पॉट्स ही तो हैं, इसीलिए पेपर का रेस्क्यू बनना मुश्किल है। अब हम सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं क्योंकि इस सवाल का जवाब मूवी में तो नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, लोकी का क्या हुआ। एंड गेम में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो है लोकी। टाइम में वापस गए कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और एंट मैन के पूरे प्लान को खराब किया लोकी ने। इधर टोनी स्टार्क की गलती से टेसरेक्ट गिरा, उधर लोकी टेसरेक्ट लेके फिर से छूमंतर हो गया। अब MCU की करंट रियलिटी में भले ही लोकी मर चुका हो, बट एक गलती की वजह से पास में लोकी आजाद है, खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, और वो भी शैतान वाला लोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब थॉर का फ्यूचर क्या होगा। एंड गेम में ऑडियंस के साथ सबसे बड़ा मजाक थॉर के कैरेक्टर को लेके किया गया। क्लाइमेक्स के टाइम थॉर अपने पूरे थंडरस अवतार में दिखा तो जरूर, बट ही लुक्ड अ लॉट वीकर देन बिफोर। एंड गेम के एंड में एस गार्डियंस को वैल्करी के हवाले कर थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ शिप में नजर आया। यहाँ पर एक नया फ्रेज यूज किया गया, एस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। वैसे आपको बता दें कि एस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नाम की मार्वल की एक कॉमिक सीरीज भी है, तो क्या अब गार्डियंस की टीम में एक थॉर भी होगा। फोर्थ क्वेश्चन, एक ही पिम पार्टिकल यूज करके थानोस अपनी शिप के साथ साथ चित्तौरी और अपनी पूरी आर्मी कैसे ले आया। पूरी एंड गेम में जो सबसे इलॉजिकल चीज थी वो है पिम पार्टिकल। सारे एवेंजर्स के पास सिर्फ एक राउंड ट्रिप भर के पिम पार्टिकल्स थे। नेब्यूला वाले पिम पार्टिकल पर थानोस अपनी शिप, अपने खतरनाक बालक और अपनी पूरी आर्मी लेके फ्यूचर में आ गया। अगर एक पिम पार्टिकल के भरोसे पूरी शिप टाइम ट्रैवल कर सकती है, तो फिर आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, एंट मैन और हल्क एक ही टाइम के लिए अलग अलग क्यों गए, एक साथ ही एक शिप चला जाते ना, सोच के देखिए। अगला बड़ा सवाल ये है कि जो 5 साल का टाइम गैप आ गया है, उससे क्रिएट होने वाला केओस कैसे हैंडल होगा। एंड गेम में वापस आए स्पाइडर मैन और कैप्टन अमेरिका की कॉन्वर्सेशन से एक बात समझ आई कि इन्फिनिटी वॉर के एंड में जो लोग गायब हुए उनके लिए टाइम आगे नहीं बढ़ा है, जबकि जो लोग गायब नहीं हुए वो तो बाकियों से 5 साल आगे बढ़ चुके हैं। रियल वर्ल्ड में ये काफी केओटिक सिचुएशन क्रिएट कर देगा। बट स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के ट्रेलर में वापस आने के बाद स्पाइडरमैन फिर से स्कूल पहुंच जाता है। अब ये बताओ, स्पाइडरमैन 5 साल से स्कूल में ही है, ऊपर से उसका दोस्त भी, या फिर शायद थानोस के स्नैप का असर पूरे स्कूल पर ही हुआ था और सारे स्टूडेंट्स गायब हो गए थे। लेकिन थानोस अंकल ने तो कहा था कि वो रैंडमली आधी पॉपुलेशन को गायब करेंगे, तो एक ही स्कूल के सारे स्टूडेंट्स कैसे गायब हो गए। अरे भाई आखिर हो क्या रहा है, प्लीज MCU वालों ये लोचा क्लियर कर दो यार। लास्ट सवाल, टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में वो अकेला लड़का कौन था। एंड गेम के क्लाइमैक्स के बाद टोनी स्टार्क के फ्यूनरल पर सब लोग प्रेजेंट थे। इस सीन में सब लोग अपनी टीम या अपनी फैमिली के साथ खड़े थे, लेकिन इस सीन में आपको एक लड़का बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ नजर आएगा। ये कौन है, आयरन मैन 3 वाला बच्चा याद है आपको। अरे वही जिसने पोटैटो गन बनाई थी। इंटरनेट पर सब जगह यही इन्फॉर्मेशन है कि फ्यूनरल में अकेला खड़ा ये लड़का वही बच्चा है। सवाल ये कि अब ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पर बिना किसी डिटेल के इस लड़के को क्यों दिखाया गया, कहीं ये तो नहीं कि यही नया आयरन मैन बनने वाला है। वैसे ये बस हमारा गेस है।
अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब एंड गेम में नहीं हैं, तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और MCU से रिलेटेड सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू देसी मर्टिनी।